और एक बात ध्यान रखना, जब आप इसको फूंक मारते हो ना, ज्यादा जोर से मारोगे तो ये होता ही नहीं। हाय गाइस, व्हाट्स अप। आज करने वाला है बुबली से फोटो शूट। कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर ये फोटो मैंने पोस्ट किया था, तो बहुत सारी भाई लोगों ने बोला कि ये फोटो शूट करना चाहिए। और गाइस, ये फोटो शूट आप दो टाइप से कर सकते हो। पहले आप इस टाइप से एडिटिंग कर सकते हो, दूसरा आप इस टाइप से फोटो शूट भी कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर, फोटो शूट करने के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान रखना चाहिए। पहले आपके पास बुबली होना चाहिए, जो आपको 5 रुपीज़ पे मिल जाएगा दुकान पर। नंबर टू, सनलाइट पे शूट करना, क्योंकि जो सनलाइट होगा उसमें आपका जो रिफ्लेक्शन होगा बुबली पर तो मस्त दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो ये बात को सबको ध्यान रखना है। और इसमें पॉज के बारे में बात करें तो बहुत ही सिंपल है, आप बैठकर भी बुबली फूंक मार सकते हो एंड बैठकर भी कर सकते हो। खड़े होकर क्या करना, आप फोटो क्या क्लिक करना। तो बैठकर कुछ क्लिक करके देखते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, पहले फोटो शूट कर लेते। तो गाइस, फर्स्ट नंबर पे शूट करके देखते हैं बुबली से। और जो कैमरा सेटिंग है, कैमरा सेटिंग में आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। हमेशा क्या होता है, जो मेरा फोटो होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है, जो नॉन एडिट फोटो होता है उसी फोटो को अगर आप डाउनलोड करोगे तो उसमें डिटेल्स पे जाओगे तो आपको इस टाइप की दिखाई देगा। और इसमें जो सेटिंग है आप देख सकते हो, अपर्चर, ISO, कौन सी मॉडल है, क्या कैमरा है, कितना मैंने जूम किया, सारे सेटिंग आपको इस साइड दिखेगा। तो आप इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हो, कैमरा सेटिंग बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो गाइस, अभी बात करते हैं पॉज के बारे में। तो करना क्या है आपके साथ, अगर आप इस तरह से शूट करना चाहते हो, बुबली से शूट करना चाहते हो, तो आपके साथ एक फ्रेंड होना ज़रूरी है। क्योंकि जो बुबली होता है, अगर आप फूंक मारते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड या 30 सेकेंड रहता है, उसके बाद अपने आप ख़त्म हो जाता है या कहीं दूर चला जाता है उड़ के। तो क्या करेंगे, पहले बैठेंगे, उसके बाद बुबली, और आपके पास एक फ्रेंड भी होना चाहिए जो मेरे साथ है, हमिद। तो इस तरह से आपको हाथ पे रखना है। रखने के बाद पहले आपका पॉज को प्रॉपर तरीके से ठीक करके रखना है। इस तरह से रखने के बाद बुबली जो है सिंपल तरह से हाथ पे रखना है, और इस तरह से आपको एक्टिंग करना है। जो फूंक मारना है वो मेरा फ्रेंड करेगा इस साइड से। और गाइस, और एक बात ध्यान रखना, जब आप इसमें फूंक मारते हो ना, ज़्यादा ज़ोर से मारोगे तो ये होता ही नहीं है, तो उसे आता ही नहीं है। हाँ, सीख गया। तो इस तरह से करना है। और इसमें पॉज के बारे में बात करें तो आप इस तरह से सिंपल तरीके से बैठ कर ऐसे एक्टिंग कर सकते हो, बस को फूंक नहीं मारना। और आप ऐसे भी रख सकते हो, तो मैं ऐसे रखूँगा। और इसमें जो फेस रिएक्शन है उसके बारे में बात करें तो आप हैप्पीली रखना, फेस में थोड़ा स्माइल रखना, क्योंकि जो बुबली है ये कब यूज़ करते हैं, छोटे छोटे बच्चे यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें फेस में थोड़ा स्माइल अलग ही होता है। जब ये फूंक मारते हैं तो बहुत सारी निकल जाता है, तो स्माइल फेस में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसी हिसाब से आपके फेस में भी स्माइल रखना है जब आप ज़िंदगी की मज़े ले रहे हो, तो मज़े लेना है। तो देखते हैं, पहले इस तरह से मारेंगे भाई, रख भी ले लेना। देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और जो मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ डाउन एंगल से, और गाइस एक बार से नहीं हुआ, क्योंकि फूंक मारने में भी ऐसा फूंक के साथ साथ फेस रिएक्शन ये सारे के सारे पॉइंट ठीक रखना पड़ता है, तो जिस वजह से बहुत बार ट्राई करना पड़ता है। और जो मेरा फ्रेंड है वो सही तरह से फूंक भी नहीं मार रहा है। और इसके साथ कुछ और एक पॉज करते हैं। पॉज क्या करोगे, अगर आप खड़े होकर पॉज करोगे तो आपका हाफ फोटो क्लिक करना पड़ेगा, तो उतना सही नहीं होगा। आप इस तरह से एकदम बैठ सकते हो, नहीं तो उस टाइप से। तो इस तरह से बैठकर और एक फोटो क्लिक करूंगा, साथ ही साथ आप फेस रिएक्शन मस्त रखना और स्माइल टाइप से रखना। तो और एक क्लिक करके देखता हूँ, और मेरा जो फोटो है एकदम सामने से क्लिक हो रहा है डाउन एंगल से। तो हमें अभी नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं एडिटिंग। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो इस टाइप की फोटो, तो आपको करना क्या है, आपके फ्रेंड की जरूरत नहीं है, तो आप अकेले काफी हो। तो इस तरह से आपको बैठना है, बैठने के बाद ऐसे आपको ये हैंडल पकड़ के बस एक्टिंग करना है और कुछ नहीं। एक्टिंग करने के बाद जो आपका फोटो क्लिक होगा, तो गाइस इस फोटो को कर लेना है पिक्सेल आर्ट पर शेयर।
और पिक्सल आर्ट पर शेयर करने के बाद आपको एड फोटो पर क्लिक करना है और आपको जो बुबली पीएनजी होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और नॉन एडिट फोटो भी मिल जाएगा, आप उसे ट्राई कर सकते हो। और पीएनजी को आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद एड फोटो पर क्लिक करना है और पीएनजी को ऐड करना है। और पीएनजी आप डबल करके बहुत सारी पीएनजी कर सकते हो, मतलब बहुत सारी बुबली कर सकते हो जिससे एकदम रियल वाला फील आएगा, उस तरह से कर सकते हो। करने के बाद डायरेक्ट सेव करना है और सेव करने के बाद उस फोटो को करना है लाइट रूम में शेयर। और लाइट रूम में शेयर करने के बाद नीचे आपको प्रीसेट भी मिल जाएगा और प्रीसेट डाउनलोड कर लेना है और उसको कॉपी करना है। और प्रीसेट पे क्या होता है, जो सिलेक्टिव टूल होता है एंड हीलिंग टूल होता है, ये सब कॉपी नहीं होता। तो जो पीछे जो बैकग्राउंड कलर होगा और फेस टोन होगा ये सारे के सारे सेम होगा, लेकिन आप सिलेक्टिव से अपनी फेस की ब्राइटनेस थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना, अगर ठीक ना होगा तो आप ऑटो भी कर लेना। तो इस तरह से होगा हमारा फोटो एडिटिंग। और हमारा जो लास्ट फोटो होगा, मेरा फोटो इस टाइप की बन गई, तो आप देख सकते हो जो एडिटिंग फोटो है और नॉन एडिटिंग फोटो है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। और गाइस अगर आप इस तरह से फोटो शूट करते हो एंड एडिटिंग करते हो तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो तो आपके भाई को टैग जरूर करना। और इसमें आपको थोड़ी सी भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो अपना भाई हो यार, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो में बहुत ही जल्दी। तो आज के लिए बाय।